हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आपकी एज भी है 12 साल से लेके 18 साल के बीच में, मतलब गाइज आपकी एज 18 साल से भी प्लस नहीं हुए, तो फ्रेंड्स आप फैम पे ऐप तो जरूर यूज़ करते होंगे अपने पेमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें हम फ्रेंड्स पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को, या फिर पैसे रिसीव कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट से। पर फ्रेंड्स, किसी रीज़न की वजह से आप इस अकाउंट को अपने बंद करना चाहते हैं, इसमें कोई इशू आने लगा है, या फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से ही इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, सो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक क्लिक के अंदर अपने फैम पे अकाउंट को पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद फैम पे अकाउंट नहीं रहेगा, पूरा वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। सो दोस्तों, सिंपल स्टेप है, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना फैम पे अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेंड्स अपने फैम पे ऐप को अपने फोन में ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स पर आपको डिलीट का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको अपने प्रोफाइल का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, डिलीट का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिल जाएगा FAQ एंड सपोर्ट के नाम से। तो दोस्तों, सपोर्ट वाले ऑप्शन पर इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे देख सकते हैं, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक किया, आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद आपके सामने न्यू पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुलकर आ चुके हैं। इनमें फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको क्लिक किस पर करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा, माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड अबव। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा डिलीट अकाउंट का। सो दोस्तों, आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद उधर से मैसेज आ चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने अब ऑप्शन आ चुका है, आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक भी स्टेप मिस नहीं करना अगर आपको भी परमानेंटली डिलीट करना है अपना अकाउंट, वरना फ्रेंड्स वो डिलीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको क्लोज माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोलेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, फ्रेंड्स ऐसे कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स ये सब आपको स्किप करना है। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पे ये नोट देंगे आपको, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये फ्रेंड्स इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब यह है कि जो अकाउंट फ्रेंड्स आप डिलीट कर रहे हैं, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ हुए हैं वो आप अब न्यू अकाउंट में बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो फ्रेंड जो अकाउंट आप डिलीट कर रहे हैं, इसको आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते, मतलब आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा, वरना आप इस अकाउंट से नहीं बना सकते अपना न्यू। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अगर डिलीट करने के लिए यहाँ पे यस प्रोसेस पर कर देना है। तो दोस्तों, इस पर फाइनली मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं, हमारे सामने नया ऑप्शन खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मेरे फोन की स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक और न्यू ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं, इन्होंने मैं बोला कि आपको इस पर मेल करना होगा अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने के लिए। सो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाली ईमेल आईडी आपको सिंपली कॉपी कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना मेल ऐप ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपनी जीमेल ओपन कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ से कंपोज मेल का एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, पेंसिल का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इसमें आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपनी वाली ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है जो फ्रेंड्स फैम पे अकाउंट से आपकी लिंक हो। पर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी लिंक नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर फ्रेंड्स यहाँ पे वो वाली ईमेल पेस्ट कर देनी है। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कर देना है क्लोज माय फैम पे अकाउंट। तो दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको सभी ये स्टेप ही यहाँ पे करने होंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे कंपोज ईमेल हमारा मेन स्टेप आ चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो मैं एंटर कर रहा हूँ आपको वो एंटर कर देना है। ये भी फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख देना है, हेलो सर, आई वॉन्ट टू क्लोज माई फैम पे अकाउंट। सो दोस्तों, आप यहाँ के मेरे फोन की स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से ही आपको भी लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स मेन स्टेप आपको करना क्या होगा, अपना नंबर यहाँ पे जरूर से डाल देना है, जिस नंबर से फ्रेंड आपका फैम पे अकाउंट बना हुआ हो फ्रेंड्स, वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है नीचे। तो दोस्तों, इतना सा स्टेप करने के बाद आपको सिंपली ये मेल आपको सेंड कर देनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स सेंड का बटन मिल जाएगा, सिंपली फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हमने देख सकते हैं, इस पर क्लिक किया फ्रेंड्स, हमारी मेल जा चुके हैं फैम पे को। इसके बाद फ्रेंड्स 24 आवर के अंदर ही फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम होता है 24 से 48 आवर, उसके अंदर आपका डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 1 से 2 घंटे में आप चेक कर सकते हैं, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप परमानेंटली अपने फैम पे अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यह हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है, अभी वापस नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
हम मिलते हैं फ्रेंड जल्दी न्यू वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।